क्षेत्र में हरिहरपुर से ढोरकट्टा तक लगभग 6.65 करोड़ रुपए की लागत से मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य पिछले 2 वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। यही नहीं, सड़क के दोनों ओर खुदाई होने से सड़कें बदहाल है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने से आए लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहे हैं और लोक निर्माण विकास ये कार्य कर रहा है, निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी का माल लगाया जा रहा है। इस मार्ग से गुजरने वाले सैकड़ों लोग परेशान हैं। मौके पर जांच करने आज तक न कोई अधिकारी आया है और न ही ठेकेदार पहुंचा है। ग्रामीणों ने शासन से इस मार्ग के निर्माण को शुरू करने की मांग भी की है। तबलीग नहीं, तबलीग के ऊपर है, 2 साल से खुदाई करके जो ठेका लिया है वो दफरवाही कर रहा है। इसमें हमारा चलने के लिए इतना दिक्कत हो रहा है कि आदमी यहाँ से बहुत एक्सीडेंट भी हुआ है। निरीक्षण में इंजीनियर नहीं आते हैं, हमारे नजर में तो अभी तक पड़े नहीं है। नहीं पड़े हैं, वो शायद ही अपने ऑफिस में बैठ के अपने घर में बैठ के सभी को ओके कर रहा है। जो हमारा रोड है हमको चलना है, रोड कच्चे बनाने के लिए हम आंदोलन भी लगे तो करेंगे। डिंडोरी जिले के महज 5 किलोमीटर